स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, टू कंटिन्यू द चैप्टर ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एंड दैट इज हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट समेशन ऑफ हीट। राइट, तो दिस इज हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। नाम से ही पता चल रहा है, कांस्टेंट हीट समेशन मींस इन दिस लॉ वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम टोटल ऑफ हीट, और वो हीट कांस्टेंट रहने वाली है। कैसे? लेट्स सी दैट। देखो बच्चे, जी एच हेस, इट्स अ रशियन केमिस्ट, और उसने ये ला दिया था आफ्टर स्टडिंग मैकेनिज्म ऑफ वेरियस रिएक्शंस। एंड व्हाट ही कंक्लूडेड, ही सेड दैट, मान लो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें ए से बनता है बी, तो दिस इज पाथ वन। राइट, इस रिएक्शन का जो चेंज इन एंथैल्पी है, दैट इज डेल्टा एच। राइट, ओके। अब ये रिएक्शन दो तरीके से हो सकती है। पाथ वन, दिस इज द डायरेक्ट प्रोसेस। अब ये रिएक्शन इनडायरेक्ट कैसे होगी? पहले ए से बनेगा सी, फिर सी से बनेगा बी, तो दिस इज इनडायरेक्ट प्रोसेस और दिस इज पाथ सेकेंड। ये है पाथ टू। तो जब ए से बना सी, देर वॉज चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच वन, जब सी से बना बी, देर वॉज चेंज इन एंथैल्पी एच टू, एंड एक्सपेरिमेंटली इट वॉज फाउंड दैट डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू, इट वॉज इक्वल टू डेल्टा एच एवरी टाइम। आप किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ लीजिए, वो रिएक्शन एक स्टेप में हो या एक से ज्यादा स्टेप्स के अंदर हो, चेंज इन एंथैल्पी विल बी द सेम। ठीक है, मान लो आपने यहां से पठानकोट जाना है, रास्ते में आने वाले हैं चार स्टेशन। राइट, आप डायरेक्ट पठानकोट का टिकट कटवाएं या आप स्टेप बाय स्टेप जाएं कि पहले आप स्टेशन ए पे उतर जाएं, फिर चेंज करें बस स्टेशन बी पे पहुंच जाएं, क्योंकि बस का किराया अकॉर्डिंग टू किलोमीटर्स होता है, इट विल बी द सेम। चाहे आप अलग अलग बसेस लेके जाएं या आप डायरेक्ट बस ले लें। राइट, तो सिमिलरली चाहे आप रिएक्शन को एक स्टेप में करें, चाहे आप रिएक्शंस को दो स्टेप में करें, चाहे आप चार स्टेप्स में करें, यहां ऐसे भी हो सकता था कि ए से बनता सी, सी से बनता डी, डी से बनता ई, और फिर ई से बनता बी। पाथ कोई भी हो सकता है। तो इस केस में क्या होता, यहां पर आता डेल्टा एच वन, यहां होता एच टू, ये मैंने ए ही लिया है, यहां होता एच वन, यहां होता एच टू, यहां होता एच थ्री, और यहां होता डेल्टा एच फोर। मतलब फिर आप लिखते डेल्टा एच वन, डेल्टा एच टू, डेल्टा एच थ्री, डेल्टा एच फोर इक्वल टू डेल्टा एच। समझ आई बात? अब देखो, इस केमिकल रिएक्शन के अंदर ये मैं सिंपल दो पाथ लिए। राइट, तो यहां से यहां जाने के टाइम या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी, तो मैंने उसको सिंपल क्यू लिख लिया। मैंने नहीं मेंशन किया कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। उसी तरीके से यहां पे आया क्यू वन क्यू टू। राइट, ओके। मान लीजिए अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ, देखो हेसेस लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए, क्यू विल बी इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू, ये दोनों बराबर होने चाहिए। Q की टर्म्स भी तो एंथैल्पी जैसी है ना, तो Q शुड बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ओके, इफ Q इज ग्रेटर देन Q1 प्लस Q2, मतलब जो सेकेंड पाथ है उसमें हीट कम लगी और डायरेक्ट पाथ में हीट ज्यादा लगी, मतलब इट वाज 100 एंड इट वाज 95। लेकिन हेसेस लॉ तो कहता है ये बराबर होना चाहिए, उसके हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए। तो यहां से जो 5 किलो जाउल एनर्जी है वो कहां गई? यहां पे एनर्जी का लॉस हो गया। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहां पे इस हिसाब से तो हमने इस एनर्जी को कर दिया डिस्ट्रॉय, बट इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद फर्स्ट लॉ। यहां फर्स्ट लॉ फेल हो गया। ओके, ऐसा मान लेते हैं, चलो एक सिचुएशन तो ये हो गई, ये भी पॉसिबल नहीं है। इफ Q इज लेस देन Q1 प्लस Q2, मतलब ये हो गया 110 और ये कितना लिया था हमने 100। राइट, दो सिचुएशंस है ना।
तो यहां पे फिर क्या हुआ, 10 किलोजाउल एनर्जी हमने क्या कर दी, हमने यहां पे 10 किलोजाउल एनर्जी कर दी क्रिएट, विच इज ऑल्सो अगेंस्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. यहां पे 5 किलोजाउल एनर्जी हमने डिस्ट्रॉय कर दी, उसका अस्तित्व ही मिटा दिया, विच इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ. तो हेसेज लॉ के हिसाब से डायरेक्ट रिएक्शन के अंदर जो एंथैल्पी चेंज होगी दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू सम टोटल ऑफ वेरियस एंथैल्पीज इन द ऑल्टरनेटिव पाथ, वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और मोर. तो वही उसकी डेफिनेशन है दैट द एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज मीन्स हीट इवॉल्व और एब्सॉर्ब. मैंने तभी इसको जनरली रखा. इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज सेम वेदर द रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप और इन नंबर ऑफ स्टेप्स. ये क्लियर? वेल, अब दूसरी साइड देखिए जरा. मैंने यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन के दो पाथ लिखे हैं, एक तो डायरेक्ट कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, और आपको बहुत अच्छे से पता है इसकी वैल्यू रहती है -393.5. ओके, इनडायरेक्टली आप इसको दो तरीके से बना सकते हो. पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बना लो, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड में हाफ O2 ऐड करोगे तो बन जाएगा CO2, ठीक है ना. और H1 प्लस H2, H ओवरऑल इन दोनों रिएक्शंस का देख लो कितना आ गया, 393.5. और अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं 1 और 2, तो देखो आपके पास क्या आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड कैंसिल, ओवरऑल क्या बना, कार्बन हाफ प्लस हाफ पूरा O2 और इधर CO2, और दोनों का सम टोटल डेल्टा H इट विल बी -393.5. दोनों का टोटल करके भी तो ऊपर वाली रिएक्शन ही आई, ठीक है. तो मैं अब इसको जैसे हमने पहले लिखा था, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दिस इज CO2, और इस रिएक्शन का डेल्टा एच है -393 किलोजाउल पर मोल, 393.5. इस रिएक्शन का डेल्टा एच इज -393.5 किलोजाउल पर मोल. ओके, अब दूसरा तरीका क्या है, इट वॉज द पाथ वन राइट, एंड दिस वॉज द डायरेक्ट पाथ, डायरेक्ट रिएक्शन. ओके, सेकेंड स्टेप इज मैंने पहले कार्बन के अंदर हाफ O2 ऐड किया एंड वी प्रिपेयर कार्बन मोनोऑक्साइड राइट. नाउ दिस इज पाथ टू एंड दिस इज द इनडायरेक्ट प्रोसेस. फिर मैंने इसके अंदर हाफ O2 और ऐड किया और क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड. इस स्टेप के अंदर डेल्टा H1 इट वॉज इक्वल टू -110.7 किलोजाउल पर मोल, और इस केस के अंदर डेल्टा H2 इट वॉज -282.8 किलोजाउल पर मोल. तो H किसके बराबर हुआ फिर देख लीजिए आप, H1 प्लस H2. तो इट वॉज H1 कितना था, -393.5, ये कितना आया -110.7 प्लस -282.8, टोटल कीजिए -393.5. तो इट वॉज हेसेज लॉ. इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हेसेज लॉ की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं. जितनी तरह की एंथैल्पीज आपने पढ़ी, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, आप जो भी इनडायरेक्ट वैल्यू है, अब ये तीन स्टेप हो गए, 1, 2, 3. मान लीजिए आपको डायरेक्ट वैल्यू दी है और कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड तक की वैल्यू दी है, आपको ये निकालने को बोला, निकाल सकते हो, क्योंकि H किसके बराबर है, H1 प्लस H2, ठीक है, ये आपको निकालनी है, ये दोनों गिवन है, निकल जाएगी ना. लेकिन फर्क क्या है, आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि मुझे कैसे लिखना है. अब कुछ एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है, मैं यहां से स्टार्ट करती हूं. कैलक्यूलेट एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ इथिलीन C2H4. आपको टेम्परेचर गिवन है 298 एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. गिवन दैट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड C2H4 आर वैल्यूज आर गिवन. ओके, तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, ओके, दिस इज C2H4 प्लस O2, क्या बनेगा,
कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उसकी कंबस्शन होगी, इट विल ऑलवेज गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और आपको कैलकुलेट करनी है इस रिएक्शन की डेल्टा एच, सी लिख देती हूं, आपको ये निकालनी है, ठीक है। और आपको गिवन क्या है, गिवन डेल्टा एच एफ नॉट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको गिवन है, गिवन दैट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो भी कंडीशंस के अंदर इन्होंने दी है, सी टू एच फोर, ये रहा सी टू एच फोर, ये रही इसकी वैल्यू, दिस इज प्लस 52.3, और वैल्यूज हैं किलो जाउल पर मोल में, मैंने कॉमन लिख लिया इधर, ठीक है। ऑक्सीजन की कितनी होगी भी, यस जीरो। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है, -393.7। वाटर, वाटर की है -241.8। अब जरा चेक करो क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, दो कार्बन, दो कार्बन, चार हाइड्रोजन, ये लीजिए चार हाइड्रोजन। अब कार्बन और हाइड्रोजन जो चीजें इसमें थी वो बैलेंस्ड, बची सिर्फ ऑक्सीजन। लेट्स सी, टू टू जो फोर, फोर प्लस टू सिक्स, तो यहां क्या लग गया, थ्री बैलेंस्ड। ओके, अब देखो डेल्टा एच, जो इस रिएक्शन का डेल्टा एच है वो किसके बराबर है, सी के बराबर। इट विल बी इक्वल टू सम टोटल ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम टोटल ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। आ गया फॉर्मूला यार, चलिए ये वैल्यू को निकालनी है, प्रोडक्ट की वैल्यूज पुट करो। हमारे पास है 2 इंटू डेल्टा एच एफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 इंटू डेल्टा एच एफ एच टू ओ, रिएक्टेंट्स खत्म, सॉरी प्रोडक्ट हो गए, रिएक्टेंट्स आ जाइए, डेल्टा एच एफ सी टू एच फोर प्लस 3 इंटू डेल्टा एच एफ ओ टू, राइट, वैल्यूज पुट करो, ये आ गया 2 इंटू -393.7, दो मोल हो जाएंगे क्योंकि ये पर मोल की वैल्यू है, ठीक है, प्लस 2 इंटू -241.8 माइनस सी टू एच फोर, इसकी वैल्यू है 52.3 प्लस 3 इंटू जीरो। अब जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसका करके आएगा -87.4 प्लस माइनस -241.8 को मल्टीप्लाई कीजिए, इट विल बी -483.6 प्लस माइनस माइनस, ओके। अब ये प्लस का था तो ये हो गया -52.3, इन सबको ऐड करो, इट विल बी डेल्टा एच सी, डेल्टा एच सी ये आ गया, इन दोनों को ऐड करके वी विल गेट -1271, ये रहा -52.3। वेल, इन दोनों को टोटल करके मैं इसको इधर ले आती हूं, यू विल गेट डेल्टा एच सी इक्वल टू -1271 प्लस 52.3, इट विल बी -1323.3 किलो जाउल पर मोल। अब देखो पर मोल इसलिए क्योंकि यहां पे सी टू एच फोर इट इज वन मोल, है ना, इट इज वन मोल, पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड है, दिस वैल्यू इज फॉर वन मोल। तो इट्स अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, आपको ध्यान किस बात का रखना है, कितने मोल्स यूज हो रहे हैं, राइट, जितने मोल्स यूज हो रहे हैं ये वैल्यूज है पर मोल के हिसाब से, डन, ओके। चलिए सेकंड वाला देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, कैलक्यूलेट डेल्टा एच फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, बाकी वैल्यूज आपको गिवन है, ओके। एसिटिक एसिड CH3COOH, गिवन दैट एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन एसिटिक एसिड की कंबस्शन, ओके, O2 प्लस CO2 प्लस H2O, मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब भी कंबस्शन होगी इट विल ऑलवेज गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर। आप लोगों का सिर्फ एक ही स्टेप है इस इक्वेशन को लिखना,
इस पे ध्यान देना कि मैं किस तरीके से लिख रही हूं, ये आपको लिखना आना चाहिए, राइट। तो CH3COOH हो गया और इसका डेल्टा एच सी, इट इज गिवन दैट माइनस 867 किलो जाउल पर मोल, इट इज गिवन। ओके, फिर इनकी बाकी इसकी और इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट इट बी बैलेंस्ड, कितने कार्बन, 1 and 2, पुट 2 हियर। नाउ नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, 3 and 1, 4, पुट 2 हियर। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली ऑक्सीजन्स, लेट्स सी, 2 plus 2, 4, 2 2's are 4, 4 plus 2, 6, तो मैं यहां क्या लगा दूंगी, 2 हो गए बराबर, 2 2's are 4 plus 2, 6, पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड। ओके, नाउ यू आर गिवन, ये भी आपको गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है, दिस इज एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, एसिटिक एसिड की कंबस्शन हो रही है, ऑक्सीजन के साथ वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो गिवन डेल्टा एच, ये भी गिवन था आपको, देन डेल्टा एच फॉर्मेशन, एसिटिक एसिड की आपको निकालनी है, इसकी तो आपको निकालनी है, इसकी 0, कार्बन डाइऑक्साइड की है -393.5, वाटर की है -285.9 किलो जाउल पर मोल, ये पर मोल की वैल्यूज होती है, किलो जाउल पर मोल। ओके, अब डेल्टा एच सी जो भी है, इट विल बी इक्वल टू सम टोटल ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट में कौन कौन है, देयर आर 2 इंटू डेल्टा एच एफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 इंटू डेल्टा एच एफ एच टू ओ, ब्रैकेट क्लोज। नाउ वी आर डन विद प्रोडक्ट्स, अब देखो रिएक्टेंट में कौन कौन है, मेरे पास है डेल्टा एच एफ सी एच थ्री सी ओ ओ एच प्लस 2 इंटू डेल्टा एच एफ ओ टू। चलो भाई वैल्यूज पुट कीजिए, 2 इंटू, नाउ दिस इज -867, 2 इंटू -393.5 प्लस 2 इंटू -285.9 माइनस, ये तो निकालनी है वैल्यू, एच एफ सी एच थ्री सी ओ ओ एच प्लस 2 इंटू 0। चलो -867, 393.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट -787, -285.9 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट 571.8, राइट, माइनस माइनस खोल दीजिए, डेल्टा एच एफ सी एच थ्री सी ओ ओ एच। अब क्या करें, इसको नेगेटिव है ना, ये माइनस लगा, इसको इधर ले आओ, यू विल गेट डेल्टा एच एफ सी एच थ्री सी ओ ओ एच, इट विल बी इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, -787 -571.8, इट विल बी -1358.8, ठीक है, और ये इधर माइनस था, इधर आके क्या हो गया, +867, ये इधर आके 8 हो गया, तो नेट आंसर आपके पास क्या आएगा, -1358.8 में से इसको माइनस कर दीजिए, यू विल गेट डेल्टा एच एफ सी एच थ्री सी ओ ओ एच इक्वल टू, इसको इसमें से माइनस करें, यू विल गेट -491.8 किलो जाउल पर मोल। तो इस तरीके से आपने डेल्टा एच फॉर्मेशन निकाल ली एसिटिक एसिड की। तो आप समझ सकते हैं इस पूरी इक्वेशन के अंदर जो भी अननोन एंटिटी होगी, यू कैन कैलकुलेट दैट, बस इसको रीअरेंज किया, इसको हम इधर ले आए, ये माइनस था इधर जाके प्लस हो गया, ये माइनस था ये इस साइड आके प्लस हो गया, तो सिंपल 6th-7th स्टैंडर्ड के जैसे क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल वैसे ही है। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, फिर भी कोई डाउट रह जाएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिए, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, इट सेज कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, सेम ऐसा ही जैसे हमने एसिटिक एसिड का निकाला ना, उसी तरीके से आप बेंजीन की वैल्यू निकालेंगे। तो
आपको गिवन क्या है, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ बेंजीन. ओके, तो उसके लिए आपको बेंजीन का, ये सभी का पैटर्न सेम है, पहले आपको इसकी जो कंबस्शन की रिएक्शन है वो लिखनी है, राइट. तो इट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और इसका डेल्टा एच इज गिवन, इट इज सी लिख लीजिए, -3267.7 किलो जाउल पर मोल. बेंजीन के एक मोल से उतनी एनर्जी बाहर जाती है. ओके, अब आपको गिवन क्या है, गिवन दैट एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन इतना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, इसकी वैल्यू तो निकालनी है आपको, इसकी जीरो है, और कार्बन डाइऑक्साइड की गिवन है -393.5 एंड वाटर इज -286.6, राइट. दीज वैल्यूज आर डेल्टा एच एफ और दीज आर इन किलो जॉल पर मोल. बैलेंस कीजिए, 6 कार्बन 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन 3 टू 6 हाइड्रोजन. नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली ऑक्सीजन, 6 टू 12 12 प्लस 3 15. आई विल राइट हियर 15/2. डन. ओके, अब लिखो इक्वेशन. डेल्टा एच इट विल बी इक्वल टू सम टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज. तो समेशन ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. ओके, चलो भाई, डेल्टा एच सी आपको गिवन है -3267.7. तो प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन है, प्रोडक्ट के अंदर है आपके पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड, तो इट विल बी 6 into delta HFCO2 +3 into delta HFH2O. डन विथ प्रोडक्ट. माइनस रिएक्टेंट्स पे आ जाइए, डेल्टा एच एफ सी सिक्स एच सिक्स, ये वैल्यू निकालनी है, +15/2 डेल्टा एच एफ ऑक्सीजन. ठीक है, चलो, ये आ गया 6 into -393.5 +3 into -286.6, ये वैल्यू आपको निकालनी है, +15/2 into 0. चलो भाई, 6 को 393.5 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट -2359.80. इट विल बी माइनस, सॉरी, सो इट इज 393.3 एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट -2359.8. ओके, प्लस अब ये आ गया, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो यू विल गेट 859.8. ठीक है, माइनस डेल्टा एच एफ सी सिक्स एच सिक्स, अब ब्रैकेट खोल दीजिए, यू विल गेट -2359.8 - 859.8 - delta HF C6H6, और इधर -3267.7 - 3267.7 - 3267.7. ओके, फिर से वैसे ही करेंगे, इसको इधर ले आते हैं, डेल्टा एच एफ सी सिक्स एच सिक्स, इन दोनों को ऐड कीजिए, -2359.8 और -859.8, यू विल गेट -3219.6, और ये आ गया इधर +3267.7. इसको हम इधर ले आए, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव था, इधर जाके पॉजिटिव, और इन दोनों का टोटल ये रहा. अब ये लार्जर वैल्यू है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, यू विल गेट, ये हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन आने वाली है, +48.1. तो डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ सी सिक्स एच सिक्स बेंजीन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज 48.1 किलो जाउल पर मोल. है ना सिंपल न्यूमेरिकल.
ठीक है। तो इस तरीके से मेन फोकस आपका किस पे रहना चाहिए, आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स। नाउ टू मोर टिपिकल क्वेश्चंस। पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है कैलकुलेट हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट टू फॉर्म कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, आपको पता करना है कॉपर सल्फेट सॉलिड जब 5 वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अटैच करता है और बनाता है कॉपर सल्फेट 5H2O एक्वस, तो उसका डेल्टा एच कितना है, ये आपको पता करना है। और आपको गिवन क्या है, हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस एंड हाइड्रेटेड। ओके, जब ये वाटर हट गया, दिस इज एनहाइड्रस, जिसके साथ वाटर लगा है दिस इज हाइड्रेटेड, राइट। इसके हीट ऑफ सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट प्लस एक्वस, ठीक है, इसकी हीट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉपर सल्फेट एक्वस, और ये वैल्यू आपको गिवन है एनहाइड्रस की, डेल्टा एच इज -66.5 किलोजाउल। ओके, दिस इज एनहाइड्रस, और हाइड्रेटेड की एंड हाइड्रेटेड आर +11। ओके, तो कॉपर सल्फेट 5H2O जब इसके साथ एक्वस लगता है, दिस इज हाइड्रेटेड। अब आप ब्लू वाला कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट है व्हाइट क्योंकि पानी नहीं लगा है, लेकिन ये वाला हाइड्रेटेड जो है इट इज ब्लू इन कलर, राइट, हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो ये बन जाएगा, बनेगा इसमें भी कॉपर सल्फेट एक्वस, ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 11.7 किलो जाओ। बस आपको ये इक्वेशन चाहिए, कैसे मिलेगी आपको ये इक्वेशन, देखिए मेन इक्वेशन क्या है, कॉपर सल्फेट सॉलिड प्लस एक्वस, और ये बन गया कॉपर सल्फेट एक्वस, दिस इज एनहाइड्रस, और इसका डेल्टा एच -66.5, राइट। जब एनहाइड्रस एब्जॉर्ब करता है 5H2O, आगे ये वाली रिएक्शन, जब ये एब्जॉर्ब करता है 5H2O तो ये बनाता है कॉपर सल्फेट 5H2O, एनहाइड्रस से क्या बन जाता है, ये हाइड्रेटेड, राइट। फिर आपको ये चीज गिवन है, नाउ दिस इज हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट की जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है HS, दिस इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एंड दिस इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, और आपको यहां पे डेल्टा एच हाइड्रेशन निकालनी है। यू हैव टू कैलकुलेट हीट ऑफ हाइड्रेशन कि जब सॉलिड वाटर 5 मॉलिक्यूल को अपने साथ लगाएगा, यहां दोनों ही क्या है, दीज बोथ आर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बन गया एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और यहां पे है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, तो ये आपको निकालनी है। 5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए और बन गया हाइड्रेटेड सॉल्ट, फिर क्या किया, इसमें हमने डाला एक्वस, मतलब एक्सेस ऑफ लिक्विड, और क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन दो तरह से बना, चाहे आप सॉलिड को डिसॉल्व करो एनहाइड्रस को, चाहे आप हाइड्रेटेड को, ठीक है, और इसकी डेल्टा एच कितनी गिवन है आपको, 11.7। आ गया समझ क्या करने वाले हैं हम, लगाओ जरा हेसिज़ला। अकॉर्डिंग टू हेसिज़ला, नाउ दिस इज let it be delta H1, it is equal to delta H hydration and delta H2, it is equal to enthalpy of solution for hydrated salt. Okay. According to Hess's law, delta H, jo main reaction hai, enthalpy of solution, it is equal to डेल्टा एच हाइड्रेशन प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस प्लस डेल्टा एच सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट, क्लियर।
इसी के बराबर आया. दिस इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन एंड दिस इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, और किसका? हाइड्रेटेड सॉल्ट का. चलो भी वैल्यूज पुट करो. नाउ दिस इज माइनस 66.5 इक्वल टू डेल्टा एच हाइड्रेशन हमें निकालनी है प्लस एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दिस इज 11.7. इसको इधर ले आइए. यू विल गेट डेल्टा एच हाइड्रेशन इक्वल टू माइनस 66.5. अब ये यहीं पे रहा पॉजिटिव, इधर आके ये भी माइनस हो गया 11.7 एंड यू विल गेट इट विल बी 5 + 7 = 2, 6 + 7 + 1 = 8 and 6 + 1 = 7. तो डेल्टा एच हाइड्रेशन जब एन हाइड्रस कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल अपने साथ लगाएगा, व्हाट विल हैपन? देयर विल बी लिबरेशन ऑफ -78.2 किलो जाउल पर मोल. समझ आया हमने क्या किया? एन हाइड्रस जिसके साथ पानी नहीं लगा है 5 वाटर मॉलिक्यूल को अटैच करेगा और उसकी बाहर जाने वाली एनर्जी क्या होगी? डेल्टा एच हाइड्रेशन. ओके, जब एन हाइड्रस से हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो इतनी एनर्जी बाहर जाती है, जब हाइड्रेटेड से बनाते हैं तो इतनी जाती है. और मुझे यह पता करना है कि यहां से यहां आने में कितनी एनर्जी लगेगी. जस्ट आप बनाइए स्टेप वन और स्टेप टू. दिस इज द डायरेक्ट प्रोसेस कि आप एन हाइड्रस को सीधा बहुत सारे पानी में डाल दो. दूसरा तरीका क्या है? पहले आप उसको हाइड्रेटेड बना लो फिर सॉल्यूशन बनाओ. तो जो इस डायरेक्ट प्रोसेस का डेल्टा एच होगा इट विल बी इक्वल टू सम टोटल ऑफ इसका और इसका. वैल्यूज पुट कीजिए एंड यू विल गेट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. वन मोर क्वेश्चन. कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज फॉर कंबस्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन. 1, 2, 3 दिस इज साइक्लोप्रोपेन. वैल्यूज पुट कीजिए. कार्बन की वैलेंसी 4 पुट कर दो तो दिस बिकम्स C3H6. ठीक है, तो आपको गिवन है C3H6 साइक्लोप्रोपेन की कंबस्शन एंड इट विल गिव CO2 एंड H2O एज यूजुअल. और कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज, आपको ये एंथैल्पी निकालनी है. ठीक है, और आपको गिवन क्या क्या है? लेट्स सी दैट. गिवन दैट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड साइक्लोप्रोपेन, तीनों की वैल्यूज गिवन है. ओके, डेल्टा एच फॉर्मेशन किलो जाउल पर मोल, साइक्लोप्रोपेन उसकी वैल्यू सबसे लास्ट में -10 किलो जाउल पर मोल, ऑक्सीजन की 0, कार्बन डाइऑक्साइड -393.5 एंड वाटर इज -285.8 किलो जाउल पर मोल. ठीक हो गया? नहीं हुआ, अभी बैलेंस करेंगे. 3 कार्बन 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, 6 हो गया. नाउ वी आर लेफ्ट विद ऑक्सीजन. 3 2s are 6, 6 + 3 9. तो हियर आई विल राइट 9/2. ओके, 2 से 2 कैंसिल 9 आ गए. तो एज यूजुअल डेल्टा एच इट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा एच एफ ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच एफ ऑफ रिएक्टेंट्स. ये वैल्यू हमें निकालनी है. ओके, प्रोडक्ट में कौन कौन है भाई? 3 × ΔHF कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3 × ΔHF H2O. ओके, माइनस रिएक्टेंट में आ गया ΔHF C3H6 प्लस 9/2 ΔHF ऑफ ऑक्सीजन. पुट द वैल्यूज. 3 × −393.5 प्लस 3 × −285.8 ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस डेल्टा एच एफ साइक्लोप्रोपेन इट इज -10 + 0. ठीक है, अब 3 को −393.5 के साथ आप मल्टीप्लाई कीजिए एंड यू विल गेट −1180.5. इनको मल्टीप्लाई करके आया -1180.5 एंड दिस विल बी -857.4. ओके, माइनस माइनस प्लस 10, दोनों को माइनस माइनस है तो निशान माइनस में ही रहेगा, दोनों को ऐड कर दीजिए 857.4, दिस विल बी 973
जीरो, इट विल बी माइनस 2037.9, वेल प्लस 10, इसमें से 10 चले गए तो यू विल गेट माइनस 2027.9. दिस इज डेल्टा एच, राइट. इसमें से माइनस करेंगे यू विल गेट 2027.9 किलो जाउल पर मोल, है ना सिंपल. तो ये बहुत ही हैसिस ला के न्यूमेरिकल्स जो है दे आर टू सिंपल. ठीक है, अब हमने शुरू में व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एंथैल्पी की बात की थी ना, तो क्योंकि एंथैल्पीज की ही हम बात कर रहे हैं तो कुछ एक बॉन्ड एनर्जी के न्यूमेरिकल्स मैं इनके साथ करवाती हूँ आपको. चलो अब ये न्यूमेरिकल्स देखते हैं. दीज आर बेस्ड अपॉन कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी एंड डेल्टा एच. ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन, कैलक्यूलेट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन. ये केमिकल रिएक्शन लिखा है, दिस इज इथीन. इथीन में हाइड्रोजन ऐड हुई और ये बन गया इथेन. हर बॉन्ड की एंथैल्पी आपको दी है, आपको डेल्टा एच निकालना है. एंड आई होप आप लोगों को याद है यहां पे हम क्या करते हैं, सम टोटल ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम टोटल ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट. मैंने आपको बताया था ओनली इन द कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी यू हैव टू सब्ट्रैक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम रिएक्टेंट, अदरवाइज बाकी सभी के अंदर हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं. तो बॉन्ड एनर्जी के अंदर, अब रिएक्टेंट्स के अंदर आप देखो कौन कौन से बॉन्ड्स हैं, सी डबल बॉन्ड, सी एच एंड एच एच. ओके, तो यहां पे आपके पास आएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ कितने हैं, सिर्फ एक, प्लस सी एच कितने हैं, 1 2 3 4, 4 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी एच, प्लस एच एच एक ही है, बॉन्ड एंथैल्पी एच बॉन्ड एच, रिएक्टेंट्स का हो गया. अब इसमें से हमें माइनस करना है प्रोडक्ट. ठीक है, माइनस प्रोडक्ट में सी एच एक, सी कार्बन सिंगल बॉन्ड एक, सी एच कितने हैं, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो यहां आ गया बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन प्लस 6 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी एच, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी एच, खत्म. बस नेक्स्ट स्टेप वैल्यूज पुट कीजिए. सी डबल बॉन्ड सी एक ही है, नंबर टू के ऊपर है सी डबल बॉन्ड सी की वैल्यू, दिस इज 615 प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी एच, तो दिस इज एट द लास्ट 413, 4 × 413. उसके बाद बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन कहां है, ये रहा, दिस इज 433. रिएक्टेंट हो गए माइनस. प्रोडक्ट में क्या है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन एक, तो 1 2 3, नंबर थ्री के ऊपर 1 2 3, दिस इज 347 प्लस 6 इंटू सी एच, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 1 3. बस अब आप समझ गए होंगे आगे हम क्या करने वाले हैं. ये आ गया 615 प्लस, इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, इट विल बी 1652 प्लस 433 माइनस 4, इन दोनों को भी सॉल्व कर लीजिए, 347 प्लस ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 4 24 2 4 7 8. अब इनको ऐड कर लीजिए और इनको ऐड कर लीजिए, यू विल गेट 615 प्लस 1652 प्लस 433, इट विल बी 2700 माइनस, इन दोनों को ऐड कीजिए, यू विल गेट 2825. अब ये प्लस और ये है, दोनों वैल्यूज प्लस में लेकिन बीच में माइनस है ना, तो इसको डेल्टा एच जब हम निकालेंगे 2700 माइनस 2825, इसको माइनस कीजिए एंड
यू विल गेट डेल्टा एच, इट इज इक्वल टू, ये लार्जर वैल्यू है, इसमें से 2700 माइनस हो जाएगा 825, मींस 175, इट विल बी 175 किलो चावल पर मोल। ये आ गई आपके पास इसकी वैल्यू, राइट? तो इस तरीके से बॉन्ड एंथैल्पी को यूज करके आप किसी भी केमिकल रिएक्शन की डेल्टा एच निकाल सकते हैं। बस ध्यान किस बात का रखना है, दिस इज द मेन रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, और आपको बॉन्ड्स पता होने चाहिए कौन सा बॉन्ड कहां पे है। क्लियर बात? ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। वीडियो के साथ साथ नोट करना बच्चे, समझ समझ के। इन अ रिएक्शन C3H8+O2, अब देखो उसने क्लोज्ड रिएक्शन दी है, आपको इसके बॉन्ड्स बनाने हैं, राइट? तो मैं पहले इसकी जो रिएक्शन इसने लिखी वही लिख लेती हूँ, C3H8+5O2, और ये बन गया 3O2+4H2O, और डेल्टा एच हमें पता करना है, ठीक है? C3H8 ये आ गया CnH2n+2, तो दिस इज 1, 2, 3, राइट? ओके, प्लस 5 ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डन। ओ टू को ऐसे लिखते हैं, आगे यहां बनेगा 3 CO2, हियर देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 3 CO2, 3 कार्बन डाइऑक्साइड्स बनेंगे ड्यू टू कंबशन, ओके, 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यही है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला, ओके, 4H2O, HOH, यही होता वाटर का फॉर्मूला। बस आपको बॉन्ड्स को खोल के लिखना है, डेल्टा एच निकालिए, अगेन सारे का सारा प्रोसीजर वही, ठीक है? हमें पता है डेल्टा एच, इट विल बी इक्वल टू सम टोटल ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स प्लस माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है? दिस इज द मेन फॉर्मूला, ओके। तो अब आप डेल्टा एच, चलो भाई रिएक्टेंट में कौन कौन से बॉन्ड्स हैं देखो, पहले सबसे पहले कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 1 and 2, तो देयर आर 2 बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डन, 1, 2। सी एच कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, प्लस 8 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी एच, ये खत्म हो गया मॉलिक्यूल, प्लस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कितने हैं टोटल, 5 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डन विद रिएक्टेंट्स, ओके। नाउ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखो कार्बन डबल बॉन्ड ओ कितने हैं, 1 and 2, टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, 3, तो इट विल बी 3 into 2, टोटल 6, राइट? एक कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर सी डबल बॉन्ड ओ है 2, तो 3 मॉलिक्यूल के अंदर कितने होंगे, 6। तो यहां मैं लिखूंगी 6 into बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ओके, प्लस एक वाटर के अंदर OH कितने हैं, 1 and 2, 4 के अंदर कितने होंगे, 8 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH, फिर से देख लीजिए OHH वाटर, एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर OH बॉन्ड कितने हैं, 2, तो 4 के अंदर कितने होंगे, 4 into 2 = 8, ठीक है? बस अब अगला स्टेप वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है? चलिए 2 into कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, नंबर 1 पे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन 347, प्लस 8 into सी एच नंबर 2 414, प्लस 5 into ओ डबल बॉन्ड ओ, दिस इज नंबर 4 498, 1, 2, 3, यस, दिस इज 5 into 498, डन, माइनस
सिक्स इंटू कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 1 2 3 थर्ड नंबर के ऊपर, 1 2 3 7 4 1 प्लस 8 इंटू ओ एच, ओ एच इज द लास्ट, दिस इज 4 6 4, बस काम खत्म। अब जो जो आपको गिवन है आप इनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते जाओ, 347 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 के साथ, इट विल बी 694, 8 को करिए 414 के साथ, इट विल बी 3312। मेरी मल्टीप्लीकेशन गलत भी हो सकती है, आप लोग खुद करके देखना, 2498 माइनस 741 को मल्टीप्लाई करिए 446 प्लस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 464 के साथ, तो इट विल बी 3712। इनको ऐड करो, इनको ऐड करो, यू विल गेट, इन तीनों को ऐड करने के बाद आएगा 6496 माइनस, इन दोनों को ऐड करके आएगा 8158। तो डेल्टा एच, अब ये लार्जर वैल्यू और ये लेसर वैल्यू, इसमें से माइनस कर दीजिए एंड यू विल गेट डेल्टा एच, इट विल बी इक्वल टू 8158। ठीक है, तो ये लार्जर वैल्यू है, इसमें से इसको माइनस कीजिए, यू विल गेट 1662 नेगेटिव, मींस दिस रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी C3H8 की, क्वाइट ऑब्वियस एनर्जी बाहर जाएगी ही जाएगी, कंबस्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, और कितनी होगी, इतनी, दिस इज किलो जाउल पर मोल। काम क्या है, आपको बॉन्ड्स पता होने चाहिए, कौन सा बॉन्ड कैलकुलेट करना है, कितने बॉन्ड्स हैं, बस उनके वैल्यूज मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट, ये हो गए दो क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, अमोनिया की फॉर्मेशन पता करनी है मुझे और आपको डेटा गिवन है। ओके, लेट्स सी दैट, कैलकुलेट डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो हमारे पास नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन और ये बन जाता है अमोनिया के दो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ओके, मुझे इसका डेल्टा एच एफ अमोनिया निकालना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले चलो यहां पे तो हम डेल्टा एच निकालेंगे जो भी आएगा, क्योंकि बैलेंस करने के लिए यहां दो मोल्स लग रहे हैं, तो डेल्टा एच एफ किसके बराबर होगा, जो भी इस रिएक्शन का डेल्टा एच आएगा दैट विल बी डिवाइडेड बाय 2। समझ आ गई बात, पहले भी बताया मैंने। अब जो सिस्टम हमारा है उस तरीके से चलिए, इनको खोल के लिखो, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, अमोनिया बन गया 1 2 3, कितने अमोनिया बने 2, और मुझे इसका डेल्टा एच निकालना है पहले। ठीक है, डेल्टा एच किसके बराबर होगा, समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ओके, चलो भाई वैल्यूज देखो, आप देखो रिएक्टेंट के अंदर कौन कौन है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, तो हमारे पास आई बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस 3 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एच सिंगल बॉन्ड एच, रिएक्टेंस ओवर माइनस, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने NH बॉन्ड, 1 2 3, तो 2 के अंदर कितने हो गए 3 into 2 6, तो 6 into bond enthalpy of NH, चलो वैल्यू पुट करो, N डबल बॉन्ड N, ये रहा N ट्रिपल बॉन्ड N, 945.36 प्लस 3 into bond energy of hydrogen, 3 into 435 माइनस 6 इंटू एन एच, एन एच इज 389। बस इनको सॉल्व कीजिए, व्हाट यू विल गेट, 3 into 435 यू विल गेट 945.36, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1305 माइनस 6 को मल्टीप्लाई कीजिए 389 के साथ, यू विल गेट 2334। इन दोनों को ऐड करो, यू विल गेट 2250.36। ठीक है, माइनस 2334। अब ये स्मॉलर वैल्यू और ये लार्जर वैल्यू। ओके,
चलो अब मैं इसको यहां लेके आ रही हूं, ये आ गया डेल्टा एच, 2334 माइनस 2250.36, इसको माइनस किया एंड यू विल गेट माइनस 83.64। अब देखो ये तो आई डेल्टा एच की वैल्यू, मतलब इस पूरी रिएक्शन की वैल्यू, दिस इज इक्वल टू माइनस 83.64 किलो जौल, नॉट पर मोल, लेकिन ये 2 मोल्स की है, ठीक है, दैट इज डेल्टा एच फॉर 2 मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू माइनस 83.64 किलो जौल, देयरफॉर डेल्टा एच फॉर्मेशन अमोनिया किसके बराबर होगा, डेल्टा एच बाय 2, तो इट विल बी माइनस 83.64 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 2 4 8, 2 1 2 8 2 1, तो माइनस 41.81 किलो जाउल पर मोल, दिस इज डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, 41.22 4 82, ठीक है, समझ आ गई आपको बात, क्योंकि ये इक्वेशन है फॉर 2 मोल्स और जो डेल्टा एच एफ होती है दिस वैल्यू इज पर मोल, 1 मोल की वैल्यू होती है, तो जो भी आपका डेल्टा एच आएगा दैट विल बी फॉर 2 मोल्स और लास्ट में आप उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल किसी भी तरीके से आ सकता है, नाउ लेट सी द सोल्यूशन ऑफ फोर्थ न्यूमेरिकल, ये आपको इक्वेशन गिवन है CCl, दिस इज डाइक्लोरोमीथेन ClCl HH, और ये टूटकर दे रहा 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन और साथ में है 2 क्लोरीन्स, कार्बन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, और आपको इसका डेल्टा एच निकालना है, दिस इज द रिएक्शन, ठीक है, इसके साथ आपको गिवन है 2 हाइड्रोजन प्लस 2 क्लोरीन और इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है और आपको वैल्यूज गिवन है, ओके ठीक है, डेल्टा एच किसके बराबर, सम टोटल ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम टोटल ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट में कौन कौन है, कार्बन सीएल बॉन्ड कार्बन एच बॉन्ड, ओके तो दिस विल बी, देर आर 2 CCl बॉन्ड्स तो इट विल बी 2 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl बॉन्ड प्लस 2 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड, ओके प्लस ये खत्म, प्रोडक्ट में क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन प्लस 2 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, ठीक है, चलो 2 इंटू सीसीएल बॉन्ड नंबर 2 330 प्लस 2 इंटू सीएच नंबर 1 414, अकेला कार्बन एलिमेंट्री स्टेट 0, अकेला हाइड्रोजन 0, अकेली क्लोरीन 0, तो दिस इज 660 प्लस 828 0, तो डेल्टा एच विल बी, ऐड कीजिए इनको, 8814 किलो जौल पर मोल, और ये क्या आया भाई, पॉजिटिव, दिस इज एंडोथर्मिक, तोड़ना है इसको, बॉन्ड बना तो कोई भी नहीं, देर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन, सिर्फ ब्रेक किया, तो क्या आएगी वैल्यू, एक्सोथर्मिक, सॉरी एंडोथर्मिक, द वैल्यू विल बी एंडोथर्मिक, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल की लैंग्वेज को देखकर डोंट क्रिएट पैनिक, उसको अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़िए, समझिए क्या पूछ रहा है आपसे, तो आपने देखा आज के वीडियो में हमने सारे के सारे न्यूमेरिकल्स ही किए, वेरियस वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स,
डेल्टा एच एफ कैसे निकाल सकते हो, वेरियस टाइप ऑफ एंथैल्पीज कैसे निकाल सकते हो, एंड हाउ टू कैलकुलेट एंथैल्पी फ्रॉम बॉन्ड एंथैल्पी. ठीक है, इट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नया कंसेप्ट लेकर. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, और इन न्यूमेरिकल को अच्छे से प्रैक्टिस करें.